हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी शिवानी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो अगर आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी होगी तो उससे आपको रेफरेंस मिल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। मेरे भैया की शादी आ रही है, मेरे भैया की शादी है 1 मार्च से स्टार्ट है। तो मेरे पास भैया की शादी में पहनने के लिए जो ड्रेसेस है उसका मैंने इंस्पिरेशन अलग अलग जगह से ली थी, मतलब मैंने दिमाग में रखा था और मैंने सेव करके रखा था, मैंने पिंटरेस्ट में भी चेक किया। तो मतलब मेरे पास रेफरेंस थे कि मुझे कैसा जैसा आउटफिट चाहिए, तो उस बारे में है ये वीडियो आज की, कि कितना मुझे इन सब की कॉस्ट लगी और मतलब इन सब चीजों के बारे में, इन डिटेल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज मैं आपको अपने आउटफिट्स दिखाऊंगी। अभी वैसे मैंने पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया है कि मैं कौन सा आउटफिट कौन से दिन पहनूंगी, पर मैं आपको दिखाती हूँ और आप मुझे कमेंट्स में बताना, सजेस्ट करके। तो ये मेरी पहली आउटफिट की इंस्पिरेशन है, पर मुझे ऐसा ना कपड़ा मिला ना मुझे ऐसा कलर मिला, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मुझे ऐसा कपड़ा नहीं मिलता है कम से कम ऐसा वाइब देने वाला कपड़ा ही मिल जाए, वही काफी है। तो मैंने बहुत ढूंढा, फिर लास्ट में मुझे कुल्लू में सरवरी मार्केट में मिला एक कपड़ा और ये आउटकम निकल के आया उससे। ये कपड़ा मिला मुझे, ये मैंने पता नहीं कितना 2.5 मीटर 1.5 मीटर जो भी होता है उतना लिया, ये मुझे मिला 250 रुपीज में। और उसके बाद मैंने लाइनिंग अलग से खरीदी इसके लिए, और मैंने सोचा कि वैसे सेम उसमें थोड़ा मिरर टाइप वर्क है लेकिन इसमें वैसा नहीं है, लेकिन ये शाइनी वैसे जैसा ही वाइब देता है। और मैंने इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा उसकी तरह ही बनाने की कोशिश की है, जैसे यहाँ से ये स्क्वायर नेक और पीछे से ऑलमोस्ट बैकलेस और ऐसे ऐसे ये जो डिज़ाइन है। ये है इसके साथ का शरारा, अभी आयरन नहीं किया है तो ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन पहन के ये बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है। इस कपड़े के लिए भी मैंने बहुत सिर दर्द झेला है। ये इतना ही पीस था उस दुकान में, लास्ट फैब्रिक था। ये जो कलर है ये काफी अलग सा कलर है, ना ये ब्राउन जैसा है ना ये मेहंदी कलर का, पता नहीं कैसे कलर का है। तो जो बाकी का कपड़ा इसके साथ मुझे, जैसे इसकी लाइनिंग जो है और जो इसका शरारा है, वो मुझे डाई करना पड़ा। तो डाई करने के लिए मैं गई और वहां पे मुझे ये दुपट्टा भी दिखा, व्हाइट कलर का था ये भी मैंने डाई करवाया। इस दुपट्टे के लिए मैंने अलग से लेस ली, तो ये ऑलमोस्ट मुझे 1700-1800 के अराउंड पड़ गया दुपट्टे के साथ और डाई के साथ, लेकिन मैं इससे काफी सेटिस्फाइड हूँ, मतलब काफी मिलता जुलता है ये मेरी इंस्पिरेशन से। ये मैंने बनवाया है अपनी मासी से और उनका कुल्लू में बुटीक है, आप भी वहाँ से बनवा सकते हो अपने लिए अपने चॉइस की ड्रेसेस, वो सब कुछ बनाते हैं वहाँ पे लहंगा वगैरह। मैं आपको यहाँ पे उनका अकाउंट मेंशन कर दूंगी तो आप वहाँ पे जा सकते हो। द सेकेंड आउटफिट वी हैव इज दिस फुल्ली प्रिंटेड अनारकली फ्रॉक सूट। इसके बारे में मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी क्योंकि ये मैंने पहले भी पहना है, बस एक ही बार पहना है, मैंने फंक्शन में पहना था ये डांस के लिए। ये मैंने लिया है इंस्टाग्राम के एक पेज काया वर्ल्ड से, मैं आपको मेंशन कर दूंगी यहाँ पे। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है और मैं सोच ही रही थी कि ये मैं कहाँ पहनूँ, तो मैं एक मेरी लिस्ट में ये भी है कि मैं शादी में कभी ना कभी ये भी पहन सकूँ। ये मैंने लिया था कितने का लिया था, 1500-1600। अगला आउटफिट है ये साड़ी जो कि आपने पहले भी देखी होगी, पर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा इस साड़ी के साथ मेरा फोटो और इसकी डिटेल्स भी वहाँ पे मेंशन्ड है। एक पर्पल कलर की साड़ी है जिसका बॉर्डर, पूरे बॉर्डर में ऐसा डिज़ाइन है और इसमें बीच बीच में ऐसे बीड्स भी हैं अलग से लगे हुए बीच बीच में, तो बहुत प्रीटी लगता है। इसके लिए मैंने एक ब्लाउज सिलवाया था इसी सिल्वर कलर में, पर अब वो मैंने गुम कर दिया, तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉप को इसके साथ एज अ ब्लाउज पहन सकती हूँ। अभी ये भी आयरन नहीं किया हुआ है, पर आपने ये टॉप ऑलरेडी देखा है क्योंकि मैंने जो मैंने अपना वार्डरोब वाला एक वीडियो डाला था उस पे भी इसके बारे में मैंने मेंशन किया कि मैंने बॉन्कर्स कॉर्नर से लिया है। तो ये भी मेरा एक आउटफिट में ऑप्शन है। जो हमारा अगला आउटफिट है वो एक्चुअल में एक ऑलरेडी मेरे पास जो भी अवेलेबल मटेरियल था उसकी हेल्प से जो मैं क्रिएट कर पाई हूँ, कुछ मिक्स एंड मैच करके कुछ मैंने जुगाड़ लगाया, मतलब अपने हिसाब से। ये लहंगा जो कि अम्ब्रेला कटिंग में है, इसमें लगा है बॉर्डर जो कि मैंने लेस खरीदी थी, और ये कपड़ा ऐसे सिल्की और शाइनी है, ये मैंने अपने फ्रेशर्स में पहना था। पर जो इसके साथ टॉप है वो तो मेरी मम्मी ने उसका कुछ सत्यानाश कर दिया है, इसका जो ब्लाउज है वो मैंने अलग सिलवाया। मुझे ये कपड़ा मिला जो सबसे ज़्यादा क्लोजली मैच कर रहा था, मतलब जो सबसे सिमिलर था, ऐसे बाकी मुझे कुछ और मिला नहीं। यहाँ धूप है ना, ये कपड़ा मिला तो इसमें मैंने ऐसे सिंपल ब्लाउज सिलवा लिया ऐसा, बस इसमें पीछे डीप नेक है, डोरी है साथ में, और दुपट्टा तो मैं वही यूज़ करूँगी जो मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था। इसमें भी गोल्डन लेस है। ये दुपट्टा मैंने लिया था 500 का। लहंगा चोली जो मैंने उस समय बनवाया था वो तो मेरे को
टोटल उसका कॉस्ट आया था ऑलमोस्ट 17-1800 रुपए। तो नेक्स्ट आउटफिट जो हमारे पास है उसकी इंस्पिरेशन है ये। मैं चाहती थी कि ये ऐसा हो, मतलब मुझे पता था कि ऐसा सेम कपड़ा तो मुझे नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी मिलता जुलता इसकी तरह डिज़ाइन बहुत ढूंढा मैं। भुंतर की पूरी मार्केट चेक की, कुल्लू की मार्केट चेक की, मुझे कुछ ही नहीं मिला। लास्ट में थक हार के हम बस स्टैंड के पास पहुँचे, वहाँ पे मुझे एक बुटीक दिखा, वहाँ पे मैं गई, मुझे वहाँ कपड़ा मिला। मैंने सेम तो नहीं मिला क्योंकि इसमें जो अंदर से शाइनी कपड़ा है और बाहर से एक प्लेन वाइट कलर का जिसमें वर्क हुआ है वैसा कपड़ा लगा है। जो मुझे मिला वो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे मिला ये कपड़ा जिसमें कि पूरे में ये चमकी चमकी वाला चमकीला डिज़ाइन है, उसको ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ज़्यादा प्रिंट है और यहाँ पे थोड़ा कम है। बॉर्डर भी है इसमें एक, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए था लेकिन अब इसमें था तो क्या कर सकते हैं। मुझे जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं बनाई है, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को हमेशा के लिए एक बहुत खास और ज़रूरी टिप बताती हूँ कि जब भी आप कहीं लहंगा सिलवाने दो तो उनको आप फोटो का रेफरेंस तो दिखाओ ही, लेकिन साथ में अगर वो नहीं भी सुन रहे हैं, वो बोले कि हाँ समझ गए, तब भी उन्हें बताओ अच्छे से कि क्या चाहिए आपको अपने लहंगे में। जैसे जो मैंने आपको रेफरेंस में पिक्चर दिखाई उसमें जो लहंगा था वो था अम्ब्रेला कटिंग में, यानी कि उसमें ऐसी चुन्नटें नहीं थी, लेकिन जब मैंने सिलवाने दिया अब उन्होंने ऐसे बना दिया तो मैं क्या करती। फिर मैंने एक तो मेरे से बोला भी नहीं जाता कि मैं क्या बोलती उनको कि आप लोगों ने वैसा नहीं बनाया जैसा मैंने बोला था। हाँ तो ये टिप है कि अपने टेलर को हमेशा पूरा डिटेल बताओ, चाहे वो सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, अपनी तरफ से क्लियर करने के लिए अपने तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस उन्हें बता दो कि आपको क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। मैंने उन्हें रेफरेंस दिखाया था लेकिन उन्होंने मुझे उस समय नहीं बताया कि इसमें ऐसा नहीं बन पाएगा या बन पाएगा, बाद में उन्होंने बोला कि इस कपड़े में वैसा बनता ही नहीं, तो मुझे ये पहले पता होना चाहिए था उनको। चलो कोई बात नहीं, आउटकम ठीक ही है फिर भी, मतलब पहनने लायक तो है लेकिन वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। और इसका ब्लाउज ये इसका वो ब्लाउज नहीं है जो स्टार्टिंग में बन के आया था मेरे पास। स्टार्टिंग में जो ब्लाउज बना था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था, वो थोड़ा ऑड लग रहा था मेरे ऊपर। मैं आपको वो पिक्चर भी दिखाऊंगी, मेरी डिसअपॉइंटेड शक्ल भी दिखेगी उसमें। नो हेट टू टेलर, पर उनको मैंने जैसा दिखाया था वैसा मुझे दिखा नहीं उसमें कुछ भी, पर उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और उन्होंने दूसरी बार मुझे अलग से नया ब्लाउज बनवा के दिया। ये बिल्कुल मेरी फिटिंग के लिए परफेक्ट था और पीछे से भी इसकी बैक भी अच्छी है। यहाँ से मैंने दो बार डोरी था, यहाँ पे एक डोरी यहाँ पे दूसरा डोरी, तो मैंने दूसरे जगह ये हुक्स लगाना ज़्यादा सही समझा क्योंकि इससे ज़्यादा सिक्योर रहता है। तो हाँ मतलब लास्ट में तो ये पूरा बन के अच्छा लग रहा था, पर स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी। और इसके साथ ऐसा सेम दुपट्टा भी है, उन्हीं के बुटीक से कपड़ा भी लिया और सिलाने भी उनके वहीं दिया था, तो ये पूरा मेरे पास तैयार हो के आया 4600 के अराउंड मेरे पास पूरा तैयार हो के आया। ये मैं एक्चुअली मेरे पास हल्दी के दिन पहनने के लिए कुछ नहीं था और अब इतना समय भी नहीं बचा था कि मैं कुछ नया बना पाऊँ, तो हल्दी के लिए मैंने एक अल्टरनेट फिर भी रखा है कि अगर लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं हो पाता है तो मैं ये सूट पहनूंगी। ये सूट मैंने अपनी दोस्त का बोरो किया है, वैसे बहुत कम दोस्त है मेरी ऐसी जिनके साइज का मुझे आए, लेकिन ये प्रिटी लगा मुझे और सुंदर सा है ये, मतलब बिल्कुल डिसेंट जैसा और प्यारा जैसा, तो ये मैंने ऑप्शन में रखा है कि अगर मुझे कुछ नहीं मिलता है हल्दी के दिन तो मैं यही पहन लूंगी। इसके साथ में ये दुपट्टा है, सिंपल व्हाइट नेट वाला दुपट्टा। सो ये थे मेरे सारे आउटफिट्स जो मैंने वेडिंग के लिए तैयार किए हैं और जिसका मैंने जुगाड़ लगाया है कुछ करके, क्योंकि बहुत कम समय में, एक तो मैं ये बिल्कुल लास्ट मिनट आउटफिट्स है क्योंकि मैंने, मुझे पता तो था काफ़ी पहले से कि ये शादी है, पर मैंने सोचा कि क्योंकि शादी की डेट्स भी उन्हीं डेट्स में है जब मेरे एग्ज़ाम की डेट शीट आई है, तो मुझे लगा कि कहीं क्लैश ना हो जाए और मैं मतलब तैयारी अपनी सब करके रखूं और बाद में मैं शादी में ना जा पाऊं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। लेकिन फिर जब मुझे बाद में लास्ट में जब डेट शीट आई तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास है 2-3 दिन एक्स्ट्रा, तब मैंने तैयारी की है अपनी इन सब चीज़ों की, तो जल्दी जल्दी मैं जो भी कुछ कर पाई वो मैंने आपको दिखा दिया। भैया की शादी का मैं व्लॉग तो नहीं बना पाऊंगी पूरी तरह से क्योंकि शादी में इतना टाइम मिलता नहीं है कि व्लॉग बनाए, पर मैं शॉर्ट्स डालूंगी और शॉर्ट्स में आप मेरे सभी आउटफिट्स देख सकते हो जो मैंने पहने होंगे, तो आप मेरे साथ बने रहें और कनेक्टेड रहें और ढेर सारा प्यार मुझ पर बरसाते रहें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल।
वैसे मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाई क्योंकि ये वीडियो मुझे काफ़ी पहले बना लेना चाहिए था, लेकिन मेरे आलस की वजह से मैंने ये लेट बनाया है। अगली बार मैं ट्राई करूँगी कि जिस समय मैं शॉपिंग कर रही हूँ या जिस समय मैं ये प्रोसेस से गुजर रही हूँ उसी टाइम मैं साथ साथ में वीडियो बनाऊँ और साथ साथ में अपलोड करूँ, तो मैं कोशिश करूँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे क्या बोलना है मुझे? मैंने कोई भी आउटफिट्स खरीदे नहीं है, मैंने खुद बनवाए।